इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। रही बात तो जैसा कि बीएड बीटीसी के लिए हम लेसन प्लान बता रहे थे, तो ये 9वां नंबर का लेसन प्लान होगा और इसको कैसे बनाया जाता है बस आप ध्यान से सुनिए और वीडियो को पोज कर करके लिखते भी रहे और देखते भी रहे। तो यहाँ पे सबसे पहले आप दिनांक लिख देंगे, उसके बाद विद्यालय। तो दिनांक में जिस दिन आपका वहाँ पे आपको मतलब पढ़ाने के लिए बोला गया, उसके बाद विद्यालय, तो जिस विद्यालय में ट्रेनिंग चल रहा हो। तो उसके बाद गणित, तो गणित में जो विषय, उसके बाद पाठ्यक्रम, तो मतलब 4 का पहाड़ा बच्चों को सिखाना वही लिख देंगे। उसके बाद कक्षा, तो कक्षा 2 के बच्चों को जो कि दिया गया है। उसके बाद कलाम थर्ड, उसके बाद समय 12:05 से 12:40 बजे तक प्रस्तुत पाठ से अब तक पढ़ाए गए पाठों कुल संख्या 9। उसके बाद सामान्य उद्देश्य, बच्चों में गणित के प्रति रुचि उत्पन्न करना, उसके छात्रों में कल्पना शक्ति का विकास करना, उसके छात्रों में गणित की उपयोगिता का ज्ञान कराना, उसके बाद नियमित अभ्यास के लिए प्रेरित करना, उसके छात्रों में पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ना, उसके विशिष्ट उद्देश्य, तो ज्ञानात्मक उद्देश्य, तो यहाँ पे छात्र जोड़ करना जान सकेंगे, छात्र पहाड़ा के विषय में जान सकेंगे। उसके बाद बोधात्मक उद्देश्य, तो छात्र पहाड़ों में जोड़ का महत्व समझ सकेंगे। उसके बाद छात्र गुड़ा हुआ भाग में पहाड़े का महत्व समझ पाएंगे। उसके बाद प्रयोगात्मक उद्देश्य, छात्र पहाड़ा का प्रयोग दैनिक जीवन में कर सकेंगे। उसके बाद छात्र पहाड़ों का उपयोग गुड़ा तथा भाग में कर सकेंगे। इसके बाद आवश्यक सामग्री, तो चाक, डस्टर, लपेट, बोर्ड, पॉइंटर, फ्लैश कार्ड, चार्ट आदि। इसके बाद क्रियाकलाप, छात्र बच्चों को तीन तीन, तो बने रहिए माई इंडिया चैनल के साथ। माई इंडिया चैनल आपके साथ लगा हुआ है, चैनल ना सब्सक्राइब किया, चैनल सब्सक्राइब, तीन तीन बच्चों के समूह में विभाजित करेगा और फिर प्रत्येक समूह को दूसरे समूह से मिलाकर क्रमशः पहाड़ों के बारे में बताने के माध्यम से क्रियाकलाप कराना। तो पूर्व ज्ञान, छात्रों को अंक की सामान्य जानकारी है। इसके बाद प्रस्तावना, क्रम संख्या 1 2 3, उसके बाद छात्र अध्यापक क्रिया, उसके छात्र अंक, यह कौन सा अंक है श्याम पट पर लिखते हुए थे, यह 4 है। इसके बाद 4 में 4 जोड़ने पर क्या आएगा, 4 में 4 जोड़ने 5 है। उसके बाद लगातार जोड़ने की इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, समस्यात्मक प्रश्न। उसके बाद उद्देश्य कथन, तो बच्चों लगातार जोड़ने की प्रक्रिया को पहाड़ा कहते, आज हम सब 4 के पहाड़े का अध्ययन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे प्रस्तुतिकरण, तो प्रस्तुतिकरण में क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक के छात्रन के शिक्षण विधि सहायक सामग्री, तो विकासात्मक प्लस, फ्लैश कार्ड को दिखाते हुए, यह कौन सा अंक है 4 को 3 बार जोड़ने पर कितना आएगा, तो यह 4 है, 4 को 3 बार जोड़ने 12 आएगा। यहाँ पे शिक्षण विधि में प्रश्नोत्तर विधि, उसके बाद सहायक सामग्री, फ्लैश कार्ड, उसके बाद स्पष्टीकरण, छात्र अध्यापक जोड़कर बताएगा, तो 4, तो फिर 4 प्लस 4 8, इसके 4 के 4 9 8 36 12, तो 3 को 4 को 3 बार जोड़ने पर 12 आएगा। छात्र ध्यानपूर्वक देखेंगे और सुनेंगे, तो आइए वीडियो और आगे ले चलते। तो इसके बाद 4 को 4 बार जोड़ा गया, तो 4 प्लस 4 प्लस 4 बराबर 16। उसके बाद 4 को 5 बार जोड़ा गया, 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 20 यहाँ पे। इसके बाद 4 को ऐसे 6 बार, उसके बाद 4 को 7 बार, उसके बाद 4 को 8 बार, उसके बाद 4 को 9 बार, उसके बाद 4 को 10 बार, तो 12 16 फिर 20 फिर 24 28 32 36 40 ऐसे आपका आता जाएगा। तो माई इंडिया चैनल को अगर न सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उससे प्रॉपर आपको फ़ायदा होगा और सारे लेसन प्लान और UPSC नेट JRF SRF सब यहाँ से हो जाए। उसके बाद छात्र अध्यापक बच्चों को अपनी उत्तर पुस्तिका में 4 लिखकर उसे लगातार जोड़कर लिखने को कहेंगे। उसके बाद छात्र अपनी उत्तर पुस्तिका में 4 को बार बार जोड़कर लिखेगा, तो यह लेखन विधि है। उसके बाद लेखन कार्य, जो कि यहाँ पे सबसे लेखन कार्य को हम बता रहे हैं। उसके बाद क्रियाकलाप, छात्र अध्यापक A4 शीट पर 4 का पहाड़ा लिखकर बीच बीच में खाली स्थान छोड़ देगा और बच्चों से खाली जगह भरवाएगा, छात्र क्रिया में भाग लेंगे, तो A4 शीट। इसके बाद बोध प्रश्न, 4 प्लस 4 प्लस 4 बराबर डब्बा, डब्बा में कुछ आपको भरना है, तो 4 दुनी कितना होगा, इसके 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 प्रश्नवाच्य यहाँ पे फिर डब्बे में आपको भरना है। इसके बाद
इसे हम पाठ कर देते हैं। यहाँ पे दिनांक, उसके बाद कक्षा दो, उसके बाद चक्र छः, अवधि 35 मिनट, विषय गणित, प्रकरण चार का पहाड़ा, उसके बाद उत्तर। तो यही जो बोध प्रश्न है उसी का उत्तर यहाँ पे दिया हुआ है। तो 4 + 4 + 4 = 12, उसके बाद 4 × 2 = 8, उसके बाद 4 + 4 + 4 + 4 = 4, तो 5 × 2 = 20। इसके बाद निरीक्षण का, तो छात्र अध्यापक बच्चों को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने का निर्देश देकर कक्षा का निरीक्षण करेगा और बच्चों की सहायता करेगा। इसके पुनरावृत्ति प्रश्न, ये तो 4 + 4 + 4 + 4 = 5 बार, तो यहाँ डब्बा, डब्बे में कुछ भरना है। 4 × 2 = कितना होगा, 4 × 7 = कितना होता। अगरी कर सभी बच्चे 4 का पहाड़ा याद करके आएंगे, 4 का पहाड़ा अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख कर आएंगे। तो एक लेसन प्लान खत्म होगा। उम्मीद करते वीडियो अच्छी लगे, अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक बार चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर हो, सब्सक्राइब। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, भगवान करे आपका दिन शुभमय हो।